हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड। देखो, जो लॉ ऑफ डिमांड है ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड एक्सटेंड हो जाती है। अगर एक चीज़ ऊपर जाती है तो दूसरी चीज़ नीचे आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीसा के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, बट ये हमें डिग्री ऑफ चेंज नहीं बताता। ये हमें नहीं बताता कि अगर प्राइस के अंदर इतनी चेंजेस आती है तो डिमांड में कितनी परसेंटेज चेंजेस आती हैं। और डिमांड एनालिसिस के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। इवन जो मैनेजरल इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने डिसीज़न लेना होता है, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्राइस के अंदर हम ये चेंजेस करते हैं तो डिमांड के ऊपर कितनी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट जो है डिवेल्प किया, जिसको उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर मेंशन किया है। देखो, जो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक वेरिएबल के अंदर जब चेंजेस आती है तो दूसरे वेरिएबल के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ चेंजेस इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर और चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसका ये मतलब है कि अगर प्राइस में चेंज होती है या इनकम में चेंज होती है या रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होती है, उसका डिमांड पे क्या असर पड़ता है, डिमांड कितने प्रतिशत चेंज होती है, डिमांड में क्या चेंजेस आती हैं, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है क्वांटिटेटिव मेजर है, जिसके अंदर हम डायरेक्शन भी मेजर होती है, उसकी डिग्री ऑफ चेंज भी मेजर होती है, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए, जो कि एक मैनेजरल इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उसके बाद है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको हम इसकी थ्री टाइप्स हैं। एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि प्राइस के अंदर जो चेंजेस आती है उसका डिमांड के ऊपर क्या असर होता है। जनरली नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन के अंदर जो प्राइस एंड डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, उसी तरह इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम क्या मेजर करते हैं कि अगर इनकम के अंदर चेंजेस आती है तो उसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होता है। उसी तरह क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर हम मेयर करते हैं कि अगर एक की प्राइस, जैसे वाई गुड है, उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज होती है, तो एक्स गुड की जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अब हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, यहाँ पे हम मेयर करते हैं कि अगर प्राइस ऑफ डैट गुड, अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, तो प्राइस अगर चेंज होती है तो डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोफेसर लिप्सी ने डिफाइन किया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके आगे नेगेटिव का साइन भी होता है, जो इंडिकेट करता है कि डिमांड और प्राइस जो है, प्राइस नेगेटिव, इनका जो रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का नेगेटिव है। अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है। बट यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है, डिग्री ऑफ चेंज जो प्राइस की वजह से आती है, उसको मेयर करती है। देखो, जो डिग्री है कि अगर प्राइस में चेंजेस आती हैं तो क्या वो प्राइस से ज़्यादा उसमें चेंजेस आती हैं, कम चेंजेस आते हैं, किस पोर्शन के अंदर चेंजेस आती हैं, उनको हम कह देते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकेंड है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ है मोर इलास्टिक डिमांड, फिफ्थ है लेस इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक के अंदर क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये इन्फिनिट होती है। ओ एक्स के ऊपर हम लेते हैं डिमांड, ओ वाई के ऊपर लेते हैं प्राइस। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि जैसे गिवन प्राइस, यहाँ पे ओ पी दिया हुआ है, उसके ऊपर डिमांड जो है आपकी मतलब इन्फिनिट तक जा सकती है। अगर प्राइस के अंदर स्लाइट वेरिएशन आती है तो डिमांड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है। अगर प्राइस जो है हल्की सी इंक्रीज होती है तो डिमांड हमारी ज़ीरो हो जाती है, और अगर प्राइस जो है हल्की सी राइज होती है तो डिमांड हमारी ज़ीरो हो जाएगी, और अगर प्राइस हल्की सी डिक्रीज होती है तो डिमांड हमारी इन्फिनिट तक पहुँच जाएगी। और यहाँ पर जो शेप ऑफ द डिमांड कर्व होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। उसी तरह सेकेंड जो डिग्री है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, जैसे देखो नेसेसरीज के अंदर है, मेडिसिन के अंदर है, चाहे उनकी प्राइस कुछ भी हो लेकिन उनकी डिमांड हमेशा एग्जिस्ट करती है।
यहाँ पे जो हमारी शेप है डिमांड कर्व की वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, ओ एक्स पे हम डिमांड लेते हैं, ओ वाई पे हम प्राइस लेते हैं, और जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस के अंदर चाहे प्राइस बढ़ती है चाहे प्राइस कम होती है, इवन अगर ज़ीरो प्राइस है तो भी इसकी डिमांड जो है रहेगी, और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज़ीरो के इक्वल होती है। उसी तरह यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, इसका मतलब होता है कि अगर प्राइस में 10% चेंजेस आती है तो डिमांड में भी 10% चेंजेस आती हैं। अगर प्राइस 10% से इंक्रीज़ होती है तो डिमांड भी 10% से ही डिक्रीज़ होती है। अगर प्राइस जो है 10% से फॉल होती है तो डिमांड भी 10% से इंक्रीज़ होती है। तो ये प्रोपोर्शनेट चेंजेस आती हैं। और यहाँ पे जो हमारी डिमांड कर्व की शेप जो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है डेट इज़ इक्वल टू 1। उसी तरह मोर इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस के अंदर 10% चेंजेस आई हैं लेकिन डिमांड के अंदर उससे ज़्यादा 30% चेंजेस आई हैं। अगर मान लो प्राइस 10% फॉल करती है लेकिन डिमांड जो है उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, 15 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस 10% से इंक्रीज़ हो जाती है और डिमांड बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। उसी तरह जो लेस इलास्टिक डिमांड है वहाँ पे क्या होता है कि प्राइस के अंदर ज़्यादा चेंजेस आती है लेकिन डिमांड के अंदर जो है चेंजेस कम आती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कर्व के अंदर ओ एक्स पे मैंने डिमांड ली है, ओ वाई पे मैंने प्राइस ली है, जो इसकी डिमांड कर्व की शेप है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है बट नीचे की तरफ बेंड है, जिसका इंडिकेशन है कि अगर देखो प्राइस ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा चेंजेस है लेकिन डिमांड के अंदर कम चेंजेस है। जैसे मान लो प्राइस के अंदर 20% चेंजेस है लेकिन डिमांड के अंदर 10% चेंजेस है, तो उसको हम कह देते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है डेट इज़ लेस देन